हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जानेंगे कि टोनर ऐड करने के बाद भी लो टोनर दिखा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, टोनर जबकि ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, फिर भी टोनर इस लो बता रहे हैं। और अपन ऐसे ही चलाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रिंट करना बंद कर देगा। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ऑलरेडी मैं टोनर ऐड कर चुका हूँ। इसी का सॉल्यूशन जानेंगे दोस्तों आज। इसका सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आज 1087 दबाना है। एक बार और दबाना है 1087। ठीक, देखिए मेंस रिपोर्ट आ गया। इसके बाद दोस्तों अपन 130 दबाना है। अरे गलत हो गया, 130। ओहो, एक बार दोस्तों 130। ये देखिए सेट टोनर। सेट टोनर में ओके दबाना है दोस्तों। देखिए आ गया, अपन को एक्सक्यूट करना है इसको। ये देखिए दोस्तों ब्लिंक हो रहा है। कम से कम ये समय लेगा, 4 से 5 मिनट दोस्तों समय लेगा ये। अपन का दोस्तों ये मशीन देखिए, आवाज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। ये प्रिंटर क्या बोलने से टोनर ऐड होना चालू हो गया है दोस्तों। दोस्तों इसको करने से प्रिंटर का जो क्वालिटी भी है, पेपर जो प्रिंट का क्वालिटी है वो बढ़ जाता है दोस्तों। और अपन ऐसे ही ऐड टोनर लिखते रहेगा दोस्तों तो फिर अपन को चिप बदलना पड़ेगा। नो ऐड टोनर आपको आखिरी में जाके वो प्रिंट करना बंद कर देगा दोस्तों, इसीलिए आप ध्यान दें। ये ब्लिंक कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब अभी ये भी वर्किंग पीरियड पे है। चलो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा तो उसके बाद अपन मिलते हैं दोस्तों। ये और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट्स करिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। पोसेरा से रिलेटिव या फिर एप्सन का कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका रिलेटिव, एप्सन में भी लाइट जलता है दोस्तों, पेपर नहीं लेता है, किसी से भी रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। अभी भी ब्लिंक कर रहा है दोस्तों, थोड़ा समय लेगा। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद बैक बटन दबा के सेट कर लिए, एक दबा के ओके दबाया। बंद करके चालू करना है दोस्तों, बंद करके फिर से मशीन को चालू करोगे तो आपको नहीं बताएगा ऐड टोनर दोस्तों। देखिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। कुछ भी समस्या हो तो कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद।